आप लोग यहां खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं छत्री बालक हूं, आप यहां कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जब मुझे तोड़फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। आप मेरी बात को सुन ले, अगर नहीं है भरोसा और नेताओं की तरह मुझे भी गिनना चाहते हो तो आप बिल्कुल गिनिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको सुन ले, आपको है मेरी बात सुन लो, बर्बाद हुए मैं आपके बाद। आप मेरी मैना ना तो ये मेरा कोई चुनावी भाषण है, ना मेरा आपको कोई प्रोहित करने का भाषण है। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को सबको सुनूंगा। आपको गाली सुनिए, आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए, आपको जो कहना है वो करिए, मैं आपके साथ समय तो देना चाहिए तोड़ने से पहले कम से कम। मेरा आपसे आग्रह, अभी बात सुन ले, आप बात सुन लीजिए। अभी भी आपके कुछ साथी मेरे पास आए, मैंने उन साथियों से कहा, और पहले भी मालूम है कि इससे पहले भी सर रख करके मैंने कहा था, देखो ये मैं रहूं ये प्रशासन कार्रवाई करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी, ये बात भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। चार बार साल भर से काम ये डेढ़ साल से रुका पड़ा रहा, मैंने कभी भी आपको कुछ नहीं कहा। प्रशासन ये कहने लगा कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि अभी भी जो कहा है आप लोग बैठ करके सहमति बना लें, जितने में आपका आपके साथ भी हो प्रशासन के साथ बैठ करके जो रास्ता बीच का निकल सके उसमें ये सेवक आपके साथ है।